हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड में। और आज के ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे कि हमारे इंडिया में जो है वीडियो का कौन सा फॉर्मेट चलता है। यानी कि आपने काफ़ी सुना होगा पाल के बारे में और एनटीएससी फॉर्मेट के बारे में, तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है और इंडिया के लिए जो कौन सा फॉर्मेट है वो अच्छा होता है, और आप उसी फॉर्मेट में एडिटिंग और फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करें तो अच्छा रहेगा। ठीक, तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे एनटीएससी और पाल दोनों के बारे में बताया गया है। जो इसके फ्रेम साइज़ होते हैं वो जो एनटीएससी का होता है वो 720x480 होता है, और जो पाल का होता है वो 720x576 होता है। जो फ्रेम रेट एनटीएससी में चलते हैं वो 29.67 चलते हैं, और जो पाल में चलते हैं वो 25 चलते हैं, 24 भी चलते हैं। मेन जो रहता है हम 24 25 कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा गैपिंग नहीं है इनके बीच में। ठीक, इसके जो हर्ट्स हैं वो 60 और 50 के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जो कलर करेक्शन होता है एनटीएससी का वो मैनुअल होता है, और पाल का जो है वो ऑटोमेटिक होता है। ठीक, अब हम अपने अगले टर्म्स में आते हैं। तो यहाँ पर आपको कई इलेक्ट्रॉनिक जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो आपको दिखाए जा रहे हैं कि एनटीएससी का और पाल का जो वीडियो बैंडविड्थ, साउंड करियर वगैरह ये सब क्या होते हैं। तो आप इन सब चीज़ों में ना जाएं, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल के थ्रू इन सब चीज़ों को निकाला गया है। हमको बेसिकली ये जानना है कि अगर आप जो इंडिया में रह रहे हैं या पाकिस्तान में रह रहे हैं या एशिया का जो एरिया है, अगर आप उसमें रह रहे हैं तो आपको किस फॉर्मेट में वीडियो को शूट करना चाहिए या किस फॉर्मेट में आपको एडिट करना चाहिए अपने वीडियो को। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो आप ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं वो एनटीएससी फॉर्मेट के लिए सपोर्ट करता है। ठीक है, जो अमेरिका साइड के वो हैं वो हमारे एनटीएससी फॉर्मेट को सपोर्ट करते हैं। सी कैम जो है वो यूरोप वगैरह इस टाइप के एरिया में सपोर्ट करते हैं, और जो ब्लू वाला पाल है वो काफ़ी जगहों पे सपोर्ट करता है, और वही जो है वो हमारे इंडिया में भी वही फॉर्मेट चलता है। हमारे इंडिया में पाल का इस्तेमाल किया जाता है फॉर्मेट का, क्योंकि जो हमारे स्क्रीन का साइज़ है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो जाती है उसके हर्ट्स अलग होते हैं, तो उससे जो है जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं, कि या तो उसमें ग्रीन्स वगैरह होती है, कुछ भी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमारा वीडियो अच्छा नहीं बनता, या यहाँ की स्क्रीन की साइज़ के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठता, तो बहुत सारी चीज़ों का कैलकुलेशन होता है इसमें। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि पाल असल में है क्या और किस कब ये लॉन्च वगैरह हुआ था। तो सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ इंडिया फॉर एशिया के लिए अगर माने तो बेस्ट रहता है हमारा जो फॉर्मेट है वो पाल है। ओके, ये हमारे इंडिया में ये पूरी तरीके से स्विच कर दिया गया था 31 मार्च 2015 को। हमारा पाल जो फॉर्मेट वो प्रॉपरली स्टेबलाइज हो चुका था। जो इसके फ्रेम रेट रहते हैं वो 24 फ्रेम पर सेकंड होते हैं। हमें जो वीडियो शूट करना चाहिए इंडोर में, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी उस हिसाब से होती है, वो करना चाहिए 24 या 25 फ्रेम पर सेकंड के अकॉर्डिंग आपको उसे शूट करना चाहिए। ठीक, और जो वीडियो शूट एंड एडिटिंग है वो पाल फॉर्मेट में ही करनी चाहिए, किसी और एनटीएससी जो फॉर्मेट है उसमें अपन को जो वीडियो शूट है वो नहीं करना चाहिए। ठीक, तो जैसा कि आपने आज के ट्यूटोरियल में जाना कि पाल और एनटीएससी फॉर्मेट क्या होते हैं, वो कहाँ कहाँ के एरिया में वर्क करते हैं, किस हिसाब से वर्क करते हैं। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे आने वाले ट्यूटोरियल्स के बारे में जानने के लिए। थैंक यू।